सब झटक लूंगा। हैं? हैं? सब ले लूंगा। देखो श्रीमान, पूरे गोकुल में मुझसे अधिक स्वादिष्ट माखन किसी के पास ना होगो। अब अच्छे गुणवत्ता की वस्तु सस्ती थोड़ी ना होगी। किंतु व्यापारी परमानंद सस्ती वस्तुएं लेता भी नहीं है। एक बार फिर सोच लो श्रीमान, हर मक्खन के मटके के बदले पूरे 2 सिक्के लेती हूँ मैं। 2 सिक्के? कहीं अधिक तो ना बोल दियो मैंने? पर अब मेरे आप पहली बार आए हो ना, तो हर 2 मटके पे 1 सिक्का कम कर दूंगी। चार मटके लोगे तो 1 और सिक्का कम कर दूंगी, लेकिन इससे अधिक कम कर ना पाऊंगी। छूट देकर मूल्य आधा कर रही है आप। मैं तो 2 गुना मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। दो गुना मूल्य तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सारी की सारी मटकियां चाहिए मुझे। सब तो भाव कम कराते हैं, ये तो बढ़ा रही है। हाँ तो जे भी कोई पूछने की बात है, जे ले लो, जे सारी की सारी मटकी आपकी। लोभ में आकर लिया गया कोई भी निर्णय लाभकारी ना होता लल्ला। अच्छा जे बता, जो लोभ में आके तूने जे सारे लड्डू खा लिए तो क्या होगो? क्या होगो मैया? पेट दुखेगो लल्ला। पीड़ा होगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगो, फिर सोच ले तू घर से बाहर ना निकल पाएगो। सच्ची में बहुत भयंकर है, इससे तो बच के ही रहना पड़ेगा। पर बचा कैसे जाए? अब फंस गए गांव वाले। जैसे ही ये मेरे सिक्कों की चमक दमक खनक देखेंगे, मेरे जाल में ऐसे फंसेंगे जैसे कि ये मूर्ख स्त्री। ये लीजिए, सामान्य मूल्य से 2 गुना मूल्य। अच्छा मूल्य दूंगा तो ही तो अच्छी वस्तुएं मिलेगी ना मुझे। भाइयों, मैं मथुरा का सीधा साधा व्यापारी परमानंद हूं। मेरी मिठाइयां विदेशों के अनेक राज्यों में बेची जाती है, इसलिए मुझे सदैव सर्वोत्तम दूध के उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि गोकुल में दूध के सर्वोत्तम उत्पाद मिलते हैं, मैं यहाँ चला आया। अब जिसे भी मेरी तरह धन अर्जित करना हो, उज्जवल भविष्य बनाना हो, वो मेरे साथ व्यापार कर सकता है। बस आपको मुझे एक वचन देना होगा। अपने आराध्य नारायण का नाम लेके प्रण करना होगा कि आज के बाद आप अपना सारा दूध दही मक्खन घी मुझे और केवल मुझे ही देंगे।
ताकि इनका प्रबंध करने के लिए मुझे कहीं और भटक ना पड़े। जो एक बार लोभ के जाल में फंस गया वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। अधिक से अधिक और अधिक और अधिक पाने के लोभ में अपना सब कुछ खो बैठता है। और फिर धीरे धीरे उसकी संघर्ष क्षमता समाप्त हो जाती है और फिर जो बचता है वो यमदूत की प्रतीक्षा करने वाला केवल एक जीवित शव और कुछ नहीं। आपको अभी निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं परसों सूर्यास्त के समय एक बार फिर आऊंगा, तब आप अपना निर्णय मुझे बता दीजिए। किंतु मेरे साथ व्यापार करने पर क्या होगा इसकी मैं झांकी दिखाऊंगा आपको। आज आप सभी इस हाट में जो लेकर आए हो वो सब लेकर जाऊंगा मैं, वो भी दुगना मूल्य देकर। मैं तैयार हूँ व्यापारी जी। तू खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है, जा सारी मटकियाँ लेके आ। हाँ मैया। जाइए जाइए जाइए। इसी तरह जब गोकुल के वासी थक हार कर मेरे चरणों में गिर जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दया की गुहार लगाएंगे, तब मैं उस नंद को गोकुल में छुपे उस चूहे के साथ यहां आने पर विवश कर दूंगा। इसे तो मैंने प्राण दान दे दिया, उसे नहीं दूंगा। अरे वचन जो दिया है तुम्हें कि सबसे पहले मैं तुम्हारी इन आंखों के सामने उसके प्राण लूंगा और फिर तुम्हारे आपके सिक्के। अब कौन उतरे, कौन झुके, कौन उठाए, रहने दीजिए, ऐसा समझेंगे धरती माता को दान दे दिया। चलो भाई चलो। आज तो बहुत अधिक धन मिल गो, कोई और माने ना माने मैं तो परसों ही जाकर व्यापारी जी को हाँ बोल दूंगी। फंस गए गांव वाले। बोलो आप दोनों, लोग वाले राक्षस से कैसे बचा जा सकता है
संतुष्टि से। ये संतुष्टि कौन है? संतुष्टि एक साधारण सी कला होती जिसमें प्रवीण होने के लिए एक बात सीखना आवश्यक है कि हमारे पास चित्ता है उत्ते में प्रसन्न रहना चाहिए। पर अधिक मिल जाए तो अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो। किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। और वैसे भी कान्हा, हम जितना अपनी वस्तुओं को बांटते हैं ना, उससे कई गुना अधिक नारायण हमें दे देते हैं। पर मैया, बस अब शेष प्रश्न घर जाके पूजा पूरी करने दे मुझे। भोग चढ़ाने तक ठहरने को कही थी, अब तो चढ़ गो भोग। बाहर आ जाओ सबके सब, लड्डू लाया हूँ तुम्हारे लिए। हम तो तुझे भाव करके भयभीत करने वाले थे, तुझे कैसे पता चला और कब? जब से तुम सबने हाट में मेरा पीछा करना आरंभ किया था तब भी पता चल गया था मुझे। मैं भी तुम सबके साथ आने वाला था पर मैया ने रोक लियो। इससे पहले कि मैया मुझे रोक ले भागो। भागो और लड्डू भी ले गो। क्या होगा फिर? लड्डू लुप्त हो गए, लल्ला लुप्त हो गए, परंतु तुम्हारा घबराया हुआ स्वर अभी तक दसों दिशाओं में ना गूंजो। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सदैव घबरा के आसमान सर पे उठा लेती हूँ। जी अर्थ ना है सुधा। ना ना, मुझे पतो है मैं लल्ला को लेके अधिक चिंतित हो जाती हूँ, पर इस समय मुझे कछु चिंता ना है क्योंकि मुझे पता है वो लड्डू लेके सीधा कहाँ गया होगो। वही जहाँ पूरी टोली मिलके खेलने जाती है, जानकी के घर के पास वाले मैदान में। आ जाओ रे सबके सब, घेरा बना लो, सब लोग बैठ जाओ। वहीं पेड़ के नीचे बैठ के सबको लड्डू बांटे गोजे। लो मधुमंगल, ले सुबल। वसंता तू भी ले। सुनी ना मैया ने क्या की? दो बहुत भयंकर ऋतु है, बहुत भयानक। ताई जी ने ये भी तो कही थी कि आवश्यकता से अधिक की इच्छा करना लोभ हो तो है, पर मेरी तो आवश्यकता ही अधिक है काना। इतने भारी भरकम तन में एक लड्डू कहाँ जाओगो, कुछ पता भी ना चलोगो। फिर तुझे दो ना चार लड्डू देने पड़ेंगे। उपवास करना है कर लो, पर लड्डू तो दो।
और जैसे ही जे बालक लड्डू खाने को होंगे, उनके मुंह तक पहुंचने से पहले ही कान्हा उन्हें रोक देगा। रुको, रुक क्यों थी ओ कान्हा? दाऊद को तो आने दो पसंद था, उनके बिना कैसे खा सकते हम अकले अकले? पर तुम्हें ये सब कैसे पता यशोदा? अरे, एक मैया से अधिक अपने संतान को कौन जानतो है भला? कान्हा अपने दाऊ के बिना कुछ कर ही ना सकता। अब चाहे खेल खेलना हो या अपनी मैया के हाथ के लड्डुओं का आनंद उठाना। जहाँ कान्हा होगो वहाँ उसके बल दाऊ को तो होनो ही है। विलंब की आशंका से घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। खेलोगे कि कोई खेल भी खेलोगे? गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, ना ना पकड़ा पकड़ी, कछु नया खेल भी सुझाओ ना। मैं बताता हूँ, एकदम नया खेल है। स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने इसका आविष्कार किया है और स्वप्न में आके बताया है मुझे। और इसमें ना, लो आरंभ हो गया बड़बोला। अरे पर खेल का नाम तो बता उज्जवल। खेल का नाम है साथी दौड़। साथी दौड़, पर खेलते कैसे है इसे? बस एक साथी दूसरे साथी का पैर अपने से बांधता है और दौड़ लगाता है। तो चलो अपना अपना साथी चुनते हैं। लड्डुओं का भोज करके सब खेल में ऐसे मगन हो जाएंगे कि कोई घर आने का नाम भी ना लेगो। पर एक बार जो भूख लगी आई तो फिर देखना कैसे मैया के। क्या हुआ यशोदा, रुक क्यों गई? देखो जी भीतर, ये कौन है? जैसे साक्षात मैया लक्ष्मी। सुलक्षणा, यशोदा जी, नंदराज, नारायण 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 नारायण। वो साधु महात्माओं की तरह अपना भविष्य देख रही थी। दोनों हाथों से धन बरस रहा था, स्वर्ण के सिक्कों के सागर में तैर रही थी। लग तो है दीवा स्वप्न देख रही थी। और सुलक्षणा बताओ कैसे आना हुआ, वो भी इस वेशभूषा में? अच्छी लग रही हूँ ना मैं रानी जैसी? क्षमा करना, वो तो आप हो ना। अब बताओ भी जे सब क्या है? जे ही तो धनवान बनने का संकेत है यशोदा जी। अब बहुत सारा धन आएगो तो धनवान दिखनो भी तो चाहिए कि ना। कहना क्या चाहती हो? जे ही के साक्षात कुबेर भगवान आए है गोकुल को समृद्ध करने है? कुबेर महाराज, हे
कान्हा दौड़ के आरंभ में ही सारी शक्ति लगाने से हारने की आशंका बढ़ जाती है। देखो वो दोनों थक रहे हैं, यही समय है अपनी गति बढ़ाने का। हमारी जोड़ी सबसे पहले पहुंच गई। देखा मेरा बल दाऊद का बल। दाऊद वो देखो। अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए, ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो। किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। इसे भूख लगी है। मेरी और क्या देख रहे हो? तुम्हारी पोटली में कुछ तो होगा, दे दो उसे। मेरे नैना मैया ने क्या की थी? जब हम किसी और को देते हैं ना, उससे अनेक गुना नारायण हमें वापिस कर देते हैं। ओहो अंतिम रोटी थी, पर वो तो मैं खा गो। अब तो बस मेरे हाथ में माखन लगा रहे गो है। क्षमा करना सखा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई दो गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई दो गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तिजोरी में सामान आ रहा हो, या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज, गुटली गिन के हमें क्या लेना देना। मैंने तो निर्णय ले लियो है कि उसकी सिर्फ मान लोगी। बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध घी माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो। दो गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। हे नारायण, सुनी है गांव वालों को दो गुना लाभ हुआ है आज, पर मैं तो माखन बेच ही ना पाई क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। जी नया माखन अभी अभी बनायो है मैंने। प्रतिदिन जो माखन निकालती हूँ सबसे पहले आपको चढ़ाती हूँ, ये सोचकर
कि कभी तो आपकी कृपा होगी, पर जाने आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे, पर जाने कब आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गई हो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कान्हा मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसे मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। पर माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो? दाऊ मेरी बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? महाराज, गोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे, अब कोई भी गोकुलवासी उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं। महाराज, ये बहुत गंभीर बात है, हमें सभा बुलानी होगी। यशोदा, यशोदा जी आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे आदि की सोच रहे, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। तो जब कोई लोभ के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव है, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि चौकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हलचल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता उस छलिया विष्णु अवतार का कोई भी छल मेरे मार्ग का रोड़ा बनता है। अवश्य महाराज। रहे परमानंद, गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। महाराज, जैसे किसी कबूतर को बिल्ली दबोच लेती है, वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा, सब झटक लूंगा। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए, ना तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी बोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुलाता हूं, मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी जो यहाँ चली आई, अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे हम सबसे पहले तो वे अन्य के बारे में सोचते हैं, वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। कहा ना मैंने तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा। दाऊ तुम्हारा। हाँ तो अनुचित बात करने देना दाऊ, पर मैं तो भलाई करना चाहता हूँ। भलाई? किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके यहाँ चोरी चुप के माखन खा लेना भलाई नहीं, चोरी कहलाती है। सखाओ तुम ही बताओ, किसी भूखे प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करना
क्या उत्तर है? भलाई। पड़े पड़े माखन चढ़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे वो क्या होता है? भलाई। किसी की मन की इच्छा पूरी करना क्या होता है? भलाई। ठहरो ठहरो, चोरी करके किसकी मन की इच्छा पूरी करोगे तुम? और किसकी दाऊ? स्वयं सावित्री मौसी की। वो ही तो चाहती है कि मैं उनके घर आऊं और ढेर सारा माखन खाऊं। तो फिर अगला घर आपका। क्षण भर तो ऐसा लगो जैसे काना ने मेरी मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले तो। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सावित्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ जैसे जानकी के घर गए थे। ये बात तो उन्होंने भैया के सामने भी कही थी कि मैं उनके घर जाऊं। ये तो उनका सौभाग्य होएगा। किसी का सौभाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना है हम। ये बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सत्यवादी हो मधु मंगल, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, वानर महाराज भूखे हैं। वानर महाराज से अधिक भूखा तो मुझे तू लग रहे हो। यदि काना सच्ची में जैसा वानर महाराज की भूख मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कछु अनुचित ना लगतो। पक्का हम सच में चोरी नहीं भलाई करने जा रहे हैं? सही कहा दाऊ। यदि भूखे असहाय वानर महाराज का पेट भरोगे तो इसका असली पुण्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि काना सावित्री मौसी के घर माखन चुराने नहीं जाएगा, बल्कि उसे दुगना कर देगा। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले न जाने देंगे सखा। हाँ, हमें भी पुण्य अर्जित करना है और माखन भी। लगता है देव वानर महाराज भी हमारी टोली में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब तो ये सबको ये कला सिखानी पड़ेगी। सही कहा सका, अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना। तो ठीक है, सिखा दूंगा और हमारी टोली कहलाएगी चोर विद्या प्रसारण टोली। और काना तू बन जाइयो इसका अध्यक्ष और दाऊ बनेंगे उपाध्यक्ष। मुझे स्वीकार है। चोर विद्या प्रसारण टोली की जय। और सुनो, क्या करना है और कैसे? माखन का चोर रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। तुम सब बात छुप जाओ, मैं भीतर देखता हूँ। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं सारा मक्खन ये कर जाए
मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नखट पड़ा चिपचोर। इसके ऊपर टांग रही हो मौसी? कान्हा सच में आ गयो तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मन तो करता है सारा दूध दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दूं। मुझे बुलाना भी चाहती हो और अनजाने में मेरे लिए कठिनाई भी बढ़ा रही हो। पर मेरे यहाँ क्यों आएगा कान्हा? इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए कहीं से सकट का प्रबंध कर लूं। छुप जाओ छुप जाओ। वैसे भी वो ठहरा राजकुमार, एक साधारण गोपी के यहाँ का माखन काहे खाएगो। तो भी बावली हो गई है सावित्री, कान्हा आना भी चाहे तो इतनी दूर आएगा कैसे? सच्ची मैं भी कितनी बावली हो गई हूँ ना, जब नंद भवन की ओर जा ही रही हूँ तो कान्हा के लिए थोड़ा सा माखन ले जाती हूँ। कान्हा क्या ये मेरा स्वप्न है या फिर? ये सारे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं कान्हा के साथ? क्या जानकी सत्य कह रही थी, कान्हा यहाँ पर माखन चुराने आया है? मुझे स्वयं जाके इसे माखन खिलाना चाहिए। सावित्री मौसी के वापस लौटने से पहले मैं कार्य समाप्त करके वापस भी जा रहा हूँ, कोई पकड़ी मत जाना। ये मुझे देख के भागो तो? ना ना, ये जो कर रहे जैसे कर रहे मुझे करने देना चाहिए।